फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं माई लाइफ स्टाइल प्रीति का चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्रोफेशनल साड़ी ड्रेप प्लस फेस्टिव साड़ी दोनों ही टू इन वन लुक है, तो दोनों ही इसमें आप पहन सकते हो दोनों ही तरीके से। तो आज मैं एक प्रोफेशनल तरीके से साड़ी ड्रेप कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रोफेशनल है तो ब्लाउज आपको थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है कुछ ज़्यादा ही। तो मेरे साड़ी से मैच करता हुआ रेड यही था, सो मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ इसी ब्लाउज के साथ। बट आप प्रोफेशनल अगर पहन रहे हो तो प्रोफेशनल ब्लाउज लॉन्ग ब्लाउज के साथ पहनिए, थोड़ा डीप नेक ना हो ब्लाउज, ये ध्यान रखिए बैकलेस ना हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल लुक में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। सो यहाँ पे साड़ी की बेसिक सी टकिंग कंप्लीट करने के बाद साड़ी को एक राउंड घुमाते हुए कमर के पास हमने एक सेफ्टी पिन से पिनअप कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी पल्लू मेज़र, क्योंकि पल्लू अगर आप मेज़र नहीं करोगे ना पल्लू अच्छे से, तो फिर आपका पल्लू ऊँचा नीचा हो जाएगा और साड़ी का लुक बहुत ही मैसी सा आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले सारे प्लेट्स को इस तरीके से रफली पिनअप कर लूँगी। तो अभी मैं फ़ाइनल पिनअप नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग प्लेट्स पहले बना लेते हैं शोल्डर की, उसके बाद साड़ी पहनते हैं, बट मेरा यही तरीका है। मैं ऐसे ही, मुझे कंफर्टेबल लगता है, सो मैं ऐसे ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे सारे प्लेट्स को इस तरीके से शोल्डर के हमें एक आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद पल्लू को इस तरीके से झटक के सेट कर लेंगे और पल्लू का जो लंबाई है वो देख लेंगे, मेज़र कर लेंगे लेंथ। तो बस लेंथ हमें हर बार की तरह नी लेंथ रखना है, मतलब कि लॉन्ग पल्लू रखना है। लॉन्ग पल्लू से एक तो आप स्मार्ट आपका लुक आता है साड़ी में, ऊपर से आप अट्रैक्टिव और लॉन्ग भी दिखते हो, लंबे भी दिखते हो। अगर आपकी हाइट कम है तो स्लीवलेस पहनिए, स्लीवलेस ब्लाउज पहनिए और पल्लू लंबा रखिए, तो आपकी हाइट काफ़ी हद तक लॉन्ग दिखेगी। लंबी आप काफ़ी हद तक शॉर्ट नहीं दिखोगे, अगर आपकी हाइट कम है तो आप लॉन्ग दिखोगे। तो बस यहाँ पे उसके बाद पल्लू मेज़र करने के बाद मैं कमर की मीडियम सी प्लेट्स बना ली हूँ। सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर ली हूँ, फिर झटक के देख ली हूँ कहीं से कोई प्लेट्स मुड़ा हुआ या फिर ख़राब तो नहीं है। तो फिर सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली बेली बटन के पास टक कर लूँगी। आप चाहो तो अगर आपका कपड़ा स्लिप करने वाला है तो पहले सेफ्टी पिन से पिनअप कर लीजिए, उसके बाद टक कीजिए बेली बटन के पास। तो मेरा कपड़ा ये थोड़ा सा मतलब अच्छा था, स्लिप बहुत ज़्यादा करने वाला नहीं था, सो मैं ऐसे ही टक कर ली हूँ। उसके बाद एक सेफ्टी पिन से आप पिनअप कर लीजिए, आपका मर्जी हो तो आप बिल्कुल बीच में सेंटर में पिनअप कीजिए, आपका मर्जी हो तो सिर्फ प्लेट के पास कीजिए, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे पिनअप कर सकते हो। सो उसके बाद मैं कमर की प्लेट कंप्लीट करने के बाद मैं अब यहाँ फिर से, आपने देखा कि मैंने पहले रफली पिनअप किया था, तो उसे मैं खोल लूँगी और फिर उसके बाद शोल्डर की प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो शोल्डर की प्लेट्स में आपको जो फर्स्ट प्लेट है उसे बड़ा ही रखना है, जैसे कमर की प्लेट्स में रखते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से शोल्डर की प्लेट, तभी ये बॉर्डर वाली साड़ियाँ जो है वो आपका जो परफेक्ट प्लेट है वो आएगा, नहीं तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। फिर सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए मिलाते जाएंगे और मिलाने के बाद सेफ्टी पिन से पिनअप कर दीजिए। आपको जितने सेफ्टी पिन की ज़रूरत हो या फिर कपड़ा दबाने वाले जो क्लिप आता है उससे भी आप एक मतलब आइडिया ले सकते हैं कि हाँ हमें कितने दूर तक पिनअप करना है, तो वैसे भी आप दबा के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने, मेरी पिन थोड़ी सी ख़राब थी ना, तो बड़ा चेक कर करके मुझे पिनअप करना पड़ता था। तो यहाँ पे सारे प्लेट्स को हम अच्छी तरीके से चेक कर रहे हैं कि कोई से सारे प्लेट्स बराबर तो है ना। तो फिर सारे प्लेट्स को ऐसे चेक करते हुए मिलाते हुए हम पिनअप करते जाएंगे और फिर सब जब सारे हमारे प्लेट्स इक्वली सेट हो जाएंगे तो बस सिंपली हमें शोल्डर पे थोड़ा सा पीछे करके हमें एक सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। ये नॉर्मल ही साड़ी है, कोई मतलब वो नहीं है। प्रोफेशनल साड़ी और प्लस फेस्टिव दोनों ही टू इन वन लुक है, तो इसमें बस प्रोफेशनल के लिए आपको थोड़ा सा ब्लाउज वगैरह अलग पहन लेना है प्रोफेशनल वाला, कि मतलब एक प्रोफेशनल लुक आए, बाकी साड़ी इसी स्टाइल में आपको पहनना है। अगर फेस्टिव के लिए पहन रहे हो थोड़ा मॉडर्न ब्लाउज पहन लो, तो बस लुक ये हो जाएगा दोनों ही। इसमें आप चाहो तो अगर फेस्टिव के लिए पहन रहे हो तो ऊपर से कमर बंद वगैरह अटैच कर लो, तो काफ़ी लुक क्लीन आता है, अच्छा आता है, फेस्टिव वाला एक लुक आ जाता है। तो यहाँ पे सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से अरेंज करने के बाद कमर के पास भी हम एक सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेंगे। आप चाहो तो छोटी वाली जो साड़ी पिन आती है उससे भी पिनअप कर लो, बट मैं ये साड़ी पिन जो बाहर से लगती है ना उससे मैं कर ली हूँ, इससे थोड़ा सा साइड का लुक प्यारा आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप चाहो तो छोटी पिन, अगर आप नहीं चाहते हो कि पिन दिखे, तो अंदर से छोटी वाली पिन से भी पिनअप कर सकते हो। उसके बाद कमर की जो बॉर्डर होती है ना साड़ी की, उसे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर साड़ी का बॉर्डर दिखता है तो साड़ी का लुक सही आता है, अच्छा आता है।
है, नहीं तो इसे मुड़ा मुड़ा लगेगा तो मैसी मैसी सा लुक आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने पहले स्टार्टिंग में कमर की प्लेट्स ऊपर लगाई थी, अब मैं यहाँ पे साइड में लगा दे रही हूँ कमर पे सेफ्टी पिन प्लेट्स में। तो बस ये हमारा साड़ी बहुत ही झटपट में रेडी हो गया। तो कैसा लग रहा है ये मेरा लुक, तो चलिए अब तैयार होके दिखाते हैं फाइनल लुक। फ्रेंड मेरा लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है रेडी होके। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने स्टाइलिंग वीडियो में दिवाली लुक बुक में आप लोगों ने देखा ही है, तो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ। तो ये लुक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह या स्टाइलिंग का पोज भी दे देती हूँ कि ऐसे आप थोड़ा सा लुक दिखाओगे तो काफ़ी प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को वही अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कैसा आ रहा है पूरा होल लुक, ताकि कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं बस यहाँ पे अपनी आई नो कि अगर आप फैटी हो तो ओपन पल्लू रखोगे तो ही आपका मतलब टमी हाइट रहेगा तो आपका फैट नहीं दिखेगा, बट मेरा काम ही है फैशन से रिलेटेड वीडियो बनाना, तो मुझे हर टाइप का लुक क्रिएट करना होता है अपने बॉडी के जो मतलब बॉडी के अंगेस्ट हो उसके हिसाब से भी मुझे काम करना पड़ता है कभी कभी। सो माइंड नहीं करना, वीडियो को एंजॉय करना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली दोस्तों के साथ अगर मेरी वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लगती है तो। और देखिए मेरा फाइनल लुक डिफरेंट स्टाइल में, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। देखिए मेरा फाइनल लुक। आज का दिवाली लुक बुक दिवाली डे वन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर पसंद आती है, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट की मैंने ब्लाउज पहनी हुई है, क्योंकि सॉटन साड़ी वाला जब मैं ब्लाउज पहनी थी रिक्वेस्ट भी आ रहा था मैम उसी साड़ी के कोई लुक निकालिए। तो फाइनली मैंने उसी ब्लाउज के साथ कोई लुक निकाली, तो मैंने निकाल दिया ये लुक दिवाली का फेस्टिव लुक। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी एनर्जी जो है अप 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 होती जाए और आप लोगों का प्यार कम ना हो, क्योंकि मेरी मेहनत भी तो लग रही है यार, तो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इतना अप अप करते जाओ मुझे। और चलिए वीडियो कहीं पेंट करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।